आंटी जी टाइम हो गया, चलिए मुंह तो धो लो। धो लीजिए, अब यही बाकी रह गया था। एक तो नाइट ड्यूटी, ऊपर से इनका मुंह धोना। ये लो चप्पल उल्टी रखी है, पता ही नहीं कितना अशुभ होता है। शाम को पूड़िया बनाई थी, खा लो। नहीं नहीं, ड्यूटी पर मैं खाता नहीं हूँ। लेकिन चख तो सकते हो ना। ये क्या आंटी जी, इसमें तो तीन पूड़िया हैं। तीन तो दुश्मन को देते हैं। तो और एक ले लो। हाँ। ये गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तुम्हारी माँ भी तो बनाती होगी ना। माँ ये लड्डू चखो। चलो अब चले। आंटी जी, आप हमारे लिए स्वर्ग में ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन बनाएंगी ना? क्या है कि अप्सराओं को नाचने गाने तो आता है, भोजन बनाने नहीं आता। हाँ बनाऊंगी, लेकिन तुम्हारे स्वर्ग में नमस्ते इंडिया देसी घी मिलता है क्या? हैं? फिर जाने दो, चलो। नहीं नहीं नहीं, आप यही रुकिए, हम आते जाते रहेंगे। एक लड्डू ले लूं। मन पिसल पिसल जाए, मन पिसल पिसल जाए। नमस्ते इंडिया देसी घी से बने खाने के आगे सबका मन फिसल ही जाता है। नमस्ते इंडिया देसी घी। मन पिसल पिसल जाए। आंटी जी अब क्या, रास्ते के लिए कुछ बांध दीजिए। क्या सोचा था, भेष बदल कर आओगे और मैं पहचानूंगी नहीं? क्या आंटी जी, पहचान लिया आपने, आज आपको चलना होगा। मेरी नौकरी का सवाल है। आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे है? आज के दिन ले जाओगे? हाँ? हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी जी। थैंक यू। भगवान आपको लंबी उम्र। आंटी जी, आंटी चलिए। अब तुम्हारे स्वर्ग में नमस्ते इंडिया देसी घी मिलने लगा? नहीं, नमस्ते इंडिया देसी घी तो नहीं मिलता, लेकिन हम क्या करें, हमारा टारगेट है आंटी जी। तुम्हें टारगेट जो पूरा करना है ना। हाँ। तो बद्री प्रसाद को लेके जाओ। बद्री प्रसाद? टॉप फ्लोर वाला बुड्ढा घूर घूर के देखता है, जा लेके जा। ये तो अच्छा आइडिया है, टारगेट तो टारगेट है। आंटी जी एक लड्डू ले लूं? हाँ ले लो, चलो निकलो अभी। नमस्ते इंडिया देसी घी से बने खाने के आगे सबका मन फिसल ही जाता है। नमस्ते इंडिया देसी घी। मन फिसल फिसल जाए। आंटी जी अब क्या, थोड़ा इंद्रदेव जी के लिए दे दीजिए, इंक्रीमेंट का टाइम है। आंटी जी आज आपको चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? और ये मुँह, ये जोकर कौन लेके आया अपने साथ? कलीग है हमारा चित्रकूट। हमारे हिसाब से आपका अकाउंट तो 3 साल पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। हाँ आंटी जी। चलो निकलते हैं। लेकिन जाने वाले की अंतिम इच्छा पूछोगे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अपनी पुस्तक में देखो लिखा है। क्या अंतिम इच्छा है आपकी? तुम्हारा ये दोस्त मेरे हाथ का बना हुआ कम से कम एक लड्डू खा जाए। नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। सिर्फ स्वर्ग तो वही है जहाँ नमस्ते इंडिया की है। हाँ, अरे उस हिसाब से तो आंटी जी स्वर्गवासी हो ही गई ना। नमस्ते इंडिया देसी घी से बने खाने के आगे सबका मन फिसल ही जाता है। नमस्ते इंडिया देसी घी।